हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अल्फाबेट्स के ऊपर आपके एग्जाम में सीसैट एग्जाम में आपको मिले थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आज का हमारा, बिकॉज आज जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना, इसमें काफी चीजें भी कवर होंगी, काफी कंसेप्ट भी कवर होंगे। और ये लिमिटेड क्वेश्चंस, मतलब आपके साथ जो मैं आपके क्वेश्चंस शेयर करूंगी, इन क्वेश्चंस में बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर अप हो जाएंगे और इनमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सीसैट एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो इनको मैं कोई चैप्टर नहीं मैं बोलूंगी, बट ये ओवरऑल अगर मैं बोलूँ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अल्फाबेट्स। चलिए, तो अब जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था लेटर सीरीज का, आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि वहां पे आपको पोजीशंस लर्न करनी है ना। फर्स्ट अल्फाबेट ए होता है, सेकंड बी होता है, थर्ड सी होता है, फोर्थ डी होता है, इस तरह से हमें पोजीशंस लर्न करनी है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको उन पोजीशंस को अगर आपने लर्न कर रखा होगा तो ये आपको क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो डेफिनेटली आते हैं 100% या मैं 200% बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर एग्जाम में, अदर देन सीसैट भी अगर आप किसी और एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, उन एग्जाम्स में भी आपको ये मिलेंगे, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे करते हैं इनको। हाँ जी, देखो आपको ये वर्ड दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड, एक कोड लैंग्वेज में मैथमेटिक्स इज रिटन एज एम ए E M I C S T H A T, ठीक है। सो ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप इतना तो ध्यान दे सकते हैं कि मैथमेटिक्स वाले ही लेटर्स जो है वो जम्बल्ड फॉर्म में आपको डीकोड करके दिए हुए हैं। यहाँ कुछ भी प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, तो हमें इन्हीं को समझना है, इन्हीं को अंडरस्टैंड करना है और कंप्लीट करना है। जैसे कि M को M से मैच किया, A को मैच किया, ठीक है। अब M और A, मतलब ये फर्स्ट टू जो है ये स्टार्टिंग में ही है। अब नेक्स्ट टू टी और एच कहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो टी और एच तो यहाँ पर आ रहा है, फिर ई और एन आपका ये वाला ग्रुप जो है वो इधर है, ठीक है। फिर ए और टी आपका लास्ट में आ रहा है, फिर आई सी एस ये तीनों एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा क्रिटिकली इसको समझिए, एम ए ये फर्स्ट ग्रुप स्टार्टिंग में, नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे, नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे, अगला ग्रुप इधर से ये लास्ट में आ गया और आई सी एस बच गया, वो हमने आगे शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही आप फिजिक्स को सॉल्व करते हैं, तो फिजिक्स थोड़ा छोटा वर्ड है तो हम ध्यान से करेंगे। हाँ जी, फिजिक्स में आपको पहले पी और एच दिया हुआ है, तो हमने पी और एच लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ऑल्टरनेटिव की अगर आप करना चाहते हैं वैसे कर दो, जैसे कि एम ए के बाद इन्होंने ई एम लिया, तो ई एम यहाँ पे था ना, तो पीएच के बाद आप लेंगे आई सी, ठीक है। पीएच के बाद आप लेंगे आई सी और एस, ठीक है, आई सी एस, और ये वाई एस जो है ये लास्ट में चला जाएगा। एक्चुअली मैथमेटिक्स बड़ा वर्ड था, फिजिक्स छोटा वर्ड है, तो इसीलिए रूल थोड़ा यहाँ पे शॉर्टन हो गया। बस ये है कि लास्ट के तीन यहाँ पे इधर आ गए थे ना, अब यहाँ तो आपके ग्रुप भी तीन बने, पीएच का, वाईएस का और आईसीएस का। फर्स्ट पीएच यहाँ आ गया, वाईएस जो है अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जांपल लास्ट में चला गया, और आईसीएस जो है वो इधर आपका लेफ्ट आउट हो गया। तो पीएच आईसीएस वाईएस आपको गिवन है ऑप्शन नंबर बी, राइट। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ जी, फिर आप इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, If it were possible to make a meaningful English word or words with the first, third, fourth and sixth letters of the word learning, ठीक है। इस word में आपको कौन सा pick करना है, first यानी कि L, third यानी कि A, ठीक है, fourth यानी कि R and sixth यानी कि I, ठीक है। तो L, A, R, I, तो इनसे आपका क्या बन सकता है, एक तो एक आपका वर्ड बनेगा लायर, जिसको आप बोलते हैं झूठा, ठीक है, लायर। एक आपका होगा रेल,
रेल आप समझते हैं ना, ठीक है। तो दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, और अगर आप और ध्यान दो, अब ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से ना आपके वोकैब पे चले जाते हैं। अब आपका देखो सीसैट एग्जाम में आपकी इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, राइट। तो इंग्लिश में आप वोकैब भी करते हैं, तो थोड़ा सा रीजनिंग का ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर वोकैब, जो कि आप इंग्लिश में कवर अप करते हैं। तो अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे और, ठीक है, तो वोकैब अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, इतना कोई मेजर ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है जिसकी वोकैब आपको आती नहीं होगी। बहुत बेसिक से वर्ड्स है ये, लायर और रेल, बहुत बेसिक से वर्ड्स है जो सबको पता होते हैं। सो आपको इनसे डरना नहीं है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये वो कैब बेस्ड है, हमें जिनको लगता है कि जिनकी इंग्लिश वीक है उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आप कई बार ऐसा क्वेश्चन बिना देखे छोड़ देते हैं, वो आपने नहीं करना, आपने अटेम्प्ट जरूर करना है। बिकॉज बेसिक वर्ड्स होते हैं जो हर कैंडिडेट जज कर सकता है कि ये मीनिंगफुल वर्ड आपका बन रहा है। तो यहाँ पे आपके कितने बन रहे हैं, टू बन रहे हैं, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, टू, दो मीनिंगफुल वर्ड्स। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स का मतलब जरूर बताना चाहूंगी। ये कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि प्रिसीडेड। हाँ जी, प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है, पिछले वाले। देखो हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस हो रहा है, तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आप किसी चैप्टर में तो कवर नहीं कर पाते हैं, बट इनको हम, इसीलिए मैंने आपकी आज की क्लास जो है वो पूरी इसी एम से बनाई है, पर ये इम्पोर्टेंट बहुत, ठीक है। प्रिसीडेड मतलब पिछले वाला, जैसे कि आपका प्रिलिम्स होता है, प्री मींस पहले, प्रिलिम्स होता है, ठीक है। तो प्रिसीडेड मींस पिछले वाला, सक्सीडेड मतलब अगले वाला यानी नेक्स्ट, प्रीफिक्स्ड मतलब पिछले वाला यानी कि प्रीवियस, सफिक्स्ड मतलब अगले वाला यानी कि नेक्स्ट, और फॉलोड का मतलब अगले वाला यानी कि नेक्स्ट, ठीक है। प्रिसीडेड, सक्सीडेड, प्रिफिक्स्ड, सफिक्स्ड और फॉलोड। तो पी से प्रिसीडेड, पी से प्रिफिक्स्ड एंड मींस दैट मींस प्रीवियस, यानी कि वो प्रीवियस की बात कर रहा है जब वो प्रिसीडेड वर्ड यूज करेगा या प्रिफिक्स्ड वर्ड यूज करेगा। अदरवाइज सक्सीडेड, सफिक्स्ड और फॉलोड का मतलब क्या होता है, अगला यानी कि नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी एट्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, इसमें कितने एट हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सेवन। फॉलोड का मतलब होता है आगे, यानी जिनके आगे क्या होगा, सेवन होगा, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिक्स, ठीक है। ये बट के बाद जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, एट की बात हो रही है, कितने एट हैं जो कि फॉलोड बाय सेवन है, पर कितने एट है जो कि नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिक्स है, यानी जिनके पीछे क्या नहीं आ रहा, सिक्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमें चेकआउट करना है, मतलब हम एक तरह से ये चेक करेंगे एट और सेवन का पेयर कितनी बार आ रहा है, और उस पेयर में एट से पीछे सिक्स नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये सेवन एट है, हमें चाहिए एट सेवन, क्योंकि उसने बोला है कि एट फॉलोड बाय सेवन, ठीक है। फॉलोड मतलब एट के आगे सेवन, तो ये देखो यहाँ पे एट और सेवन आ गया, और उससे पीछे एट दिया हुआ है, मतलब सिक्स नहीं है ना, एक हमने ये काउंट कर दिया। नेक्स्ट देखो, एट और सेवन का कॉम्बिनेशन ये रहा, पर पीछे सिक्स दिया हुआ है तो ये हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट आपका एट और सेवन का कॉम्बिनेशन देखो ये रहा, पर पीछे सिक्स दिया हुआ है, ये भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट आपका एट और सेवन का कॉम्बिनेशन ये रहा, पीछे सेवन दिया हुआ है तो हम ये ले लेंगे। तो ऑल टुगेदर कितने आ रहे हैं आपके इस तरह के ग्रुप, दो आ रहे हैं। तो मतलब आप क्वेश्चन को ना शॉर्ट में यहाँ पे लिख लिया करो, डीकोड कर लिया करो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसके बाद आपने अपने जो आपका हो, क्योंकि अगर आप एक एक एट को चेक करोगे ना, जैसे हाउ मेनी एट्स आर देयर, आप देखो कितने सारे एट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आप एक एक एट को चेक करेंगे बहुत टाइम लगता है। तो बेटर रहता है कि आप क्या करें, यहाँ पे आप यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर लीजिए साइड पे, और फिर उसको एज अ पेयर ढूंढिए कि ये पेयर हमें कहाँ मिले, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने इस तरह के ग्रुप्स आए, दो ग्रुप्स आ रहे हैं, तो आंसर होगा टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जब आप करेंगे, ये क्वेश्चन जब इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना,
बच्चा नॉर्मली सोचता है कि हाँ जी यहाँ पे आपका कुछ रूल लग रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है। कई बार हमें इतना टेक्निकल नहीं सोचना होता, बहुत सिंपल सोचना होता है। अगर आपको याद होता फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था रिविजन का, जिसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस किया था, है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग की डिस्कशन में हमने क्या किया था कि एक क्वेश्चन किया था, जैसे कि आपको दिया होता है कि ग्रेट इज कोडेड आज 9, 3, 4, 5, 6, इस तरह से दिया होता है। तो हम देखते थे कि वो फिक्स है कि जम्बल्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस हम करते थे। तो मैंने आपको ये भी दिखाया था उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सिंबल्स भी आते थे, है ना, सिंबल्स भी थे। अब यहाँ पे टीचर इज कोडेड आज आपको ये दिया हुआ, हाईली इज कोडेड आज आपको ये दिया हुआ, ठीक है। अगर आप ध्यान दो कि मुझे जिसको सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है चैरिटी को, चैरिटी में जितने भी अल्फाबेट्स है वो सारे टीचर और हाईली में कवर हो रहे हैं, है ना, कोई भी नया अल्फाबेट नहीं आ रहा। देखो सी एच ये रहा, ए ये रहा, आर आपका ये रहा, आई टी वाई, ये सारे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। चैरिटी में चैरिटी जो है वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो टीचर इज कोडेड एज एक्स डब्ल्यू पी बी आर डब्ल्यू एम, और दूसरा कोड आपका क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि हाईली इज कोडेड एज आर एस एन आर डी जेड, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आप ये देखिए, टी रिपीट नहीं हो रहा, ई रिपीट नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा, एच आपका जो है वो नीचे दिया हुआ है। देखो एच की जगह पे आ रहा है, इधर देखो एच की जगह पे आ रहा है, और इधर भी देखिए एच की जगह पे आ रहा है। तो इस तरह से आपको याद होगा हमने क्वेश्चंस किए थे जब डीकोडेड में आपको सिंबल्स दिए होते हैं या नंबर्स दिए होते हैं, क्वेश्चन वही है, पर क्योंकि इसने यहाँ पे अल्फाबेट्स दे दिए तो हम इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि यहाँ कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, कुछ उस तरह का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से करना पड़ेगा। ये हमें कैसे पता लग सकता है, हम ये देखेंगे जिसको हमने सॉल्व करना है ना उसमें जो अल्फाबेट्स है वो सारे हमें एग्जाम्पल में गिवन थे। अगर आपको इस चीज पे ध्यान चला जाता तो आप जज कर लेते कि हो सकता है मुझे इसमें लॉजिक ढूंढना ही नहीं, सिर्फ कोड्स मुझे नोट करने हैं। और देखो ये ई की जगह पे डब्ल्यू है, यहाँ पर भी ई की जगह पे डब्ल्यू है, तो बस फिर डी कोड करते हैं चैरिटी को, सी का कोड होगा बी, तो ये हमने बी ले लिया, एच का कोड होगा आर, ये हमने आर ले लिया, ए की जगह पे लिखा हुआ है पी तो हम यहाँ पी लेंगे, आर की जगह पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है एम तो यहाँ पर हम एम लेंगे, आई की जगह पे एस तो यहाँ पर हम एस लेंगे, टी की जगह पे हम लेंगे एक्स, और वाई की जगह पे हम लेंगे जेड। तो ये आपका आंसर है। वैसे तो इतना मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दो तीन से ही आंसर, जैसे कि पहले बी आया, बी आपको सब में मिल रहा है, आर आपको ए ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे पी आ रहा है ना, उसके बाद आर के बाद पी आपको सब में मिल रहा है, पी के बाद एम आपको सब में मिल रहा है, एम के बाद एस आपको सब में मिल रहा है, एस के बाद एक्स आपको सिर्फ यहाँ पे मिला, तो आंसर इसका था ऑप्शन नंबर डी। मतलब वाई को डीकोड करने की हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि टी तक ही डीकोड करने में आपका आंसर आ चुका था, यानी कि ऑप्शन था डी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आया ना तो बहुत ध्यान से करना है इसको। बस ये आप देख लो कि वर्ड जो है डीकोड करना है जिसको आपको, अगर उसके सारे अल्फाबेट्स आपको प्रीवियसली गिवन है तो लॉजिक छोड़िए, सीधा नोट करिए, पर चेक कर लीजिए पहले कि वो फिक्स का केस है कि जम्बल्ड का केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पॉपुलर दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है, इफ पॉपुलर इज कोडेड एज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी कोडेड एज, ये मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर गिवन। तो पॉपुलो POPULAR, नीचे QPQVM बी एस, तो पी से क्यू कैसे आएगा प्लस वन, ओ से पी कैसे आएगा माइनस वन, पी से क्यू कैसे आएगा प्लस वन, यू से वी कैसे आएगा प्लस वन, ठीक है, और सॉरी ये प्लस वन ही है, ठीक है, पी क्यू ओ पी क्यू यू वी एल एम प्लस वन, ए बी प्लस वन, आर से एस प्लस वन,
यानी सिंपली प्लस वन हो, है ना। अब उसने मुझे बोला कि आंसर अगर है जी बी एन पी वी टी, अगर ये आपका आंसर है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि किस वर्ड का आंसर होगा। तो हमें अगर पीछे जाना है, ऑब्वियसली यहां से यहां अगर मैं प्लस वन करके आ रही हूँ तो मुझे अगर रिवर्स जाना होगा तो क्यू से पी कैसे आएगा, माइनस वन करके। तो अब हम इसमें माइनस वन करेंगे वर्ड पे जाने के लिए, तो जी में माइनस वन करके क्या आएगा, एफ। बी में माइनस वन करके क्या आएगा, ए। और अगर आप ये देखो, ये एफ आर गलत, एफ ओ गलत, एफ आर गलत, तो आंसर मेरा ऑलरेडी आ चुका है ए ऑप्शन। पर चलो फिर भी पूरा कर लेते हैं। एन में माइनस वन एम, पी में माइनस वन ओ, वी में माइनस वन यू, टी में माइनस वन एस, तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा ए ऑप्शन, फेमस। चलिए आगे, इस तरह का एक और क्वेश्चन, ये सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, तो लॉजिक्स तो एटलीस्ट क्वेश्चन अगर रिपीट ना हो ना, रूल या लॉजिक तो डेफिनेटली रिपीट होता है, ठीक है। चलिए, कैजुअल इज कोडेड एज जी ई डब्ल्यू वाई ई। आपको याद होगा मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि कई बार पोजीशंस की जरूरत पड़ती है, तो जब गैप थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, तो ऐसे ही देख के पता लग जाता है। पर जब गैप थोड़ा ज्यादा हो जाता है वहां पे आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो सी, अगर मैं मतलब पोजिशन में आपके लिए लिखती हूँ, बट आप ना माइंड में याद किया करो पोजिशन। ठीक है, तो ये देखिए, थ्री से सेवन पे आना है तो कैसे आएंगे, प्लस फोर करके। ए वन होता है, ई फाइव होता है, ये भी प्लस फोर। 19 से 23 पे आना है तो प्लस फोर, 21 से 25 प्लस फोर, 1 से 5 प्लस फोर, 12 से 16 प्लस फोर, यानी पूरे वर्ड में कुछ नहीं हुआ, हमें सिंपली प्लस फोर करना था। तो आपको यहाँ वर्ड जो दिया हुआ है किसको सॉल्व करना है, हमें पीपल को। तो पीपल में भी अगर आप प्लस फोर करते हैं, 16, 5, 15, 16, 12, 5, ठीक है। तो ये 16 में प्लस फोर करके कितना आएगा, 20। तो यहाँ पे 20 कौन होता है, टी। ई फाइव है ना, फाइव में प्लस फोर किया, 9। 9 कौन होता है, आई। तो टी के बाद आई मुझे सिर्फ इस ऑप्शन में मिल रहा है, ये गलत है, ये भी गलत है। टी के बाद एच था तो ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा बी ऑप्शन। आगे जरूरत ही नहीं है करने की, बट फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको करवा रही हूँ, बट पेपर में जब आते हैं ना, सिंपली किया करो सॉल्व। तो 15 में प्लस फोर किया तो 19 कौन होगा, एस, ठीक है। 16 में प्लस फोर किया तो टी, 12 में प्लस फोर किया तो 16 कौन होगा, पी, प्लस फोर किया तो कितना होगा, आई। तो टी आई एस टी पी आई, तो बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो ये हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको उसने बोला है कि लेटर ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो हैव बीन जंबल्ड। एक वर्ड है, उसके लेटर्स जो है वो जंबल्ड अप है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दीज वर्ड्स। आपको कंस्ट्रक्ट करना है किस तरह से, एक मीनिंगफुल वर्ड में, ठीक है। हर लेटर को नंबर किया गया है और हर वर्ड जो है इज फॉलोड बाय फोर ऑप्शंस। चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर एज इंडिकेटेड बाय द नंबर टू फॉर्म द वर्ड्स। मतलब ये एक वर्ड था जिसको जंबल कर दिया उन्होंने, है ना, जंबल कर दिया, और नीचे उन्होंने नंबरिंग दे दी, और नीचे उन्होंने ऑप्शन में आपको बता दिया कि कौन सी नंबरिंग के सीक्वेंस से इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अब इनको करते कैसे, कई बार तो आपको देख के फर्स्ट टाइम पे ही क्लिक कर जाएगा कि इसका ये वर्ड, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं भी होता, कई बार आपको नहीं क्लिक करेगा, तब हम क्या करें, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में फाइव है, फोर है, वन है। फाइव कौन है, टी, यानी टी से स्टार्ट होगा। फोर कौन है, पी से स्टार्ट होगा। और वन कौन है, ई, ई से स्टार्ट होगा। तो थोड़ा ना हिंट मिल जाता है, या फिर कई बार आप शुरू के दो तीन के कॉम्बिनेशंस बना लेते हो, मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन, चार ऑप्शन है तो चार पॉसिबिलिटीज है। तो आप इस तरह से, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा पूरा वर्ड बना के देखो, ठीक है। हाँ आंसर तो आ जाएगा पूरा वर्ड बना के, पर टाइम वेस्ट बहुत होता है, शुरू के दो तीन से ही पता लग जाता है आगे फर्दर कि ये कौन सा वर्ड होगा, ठीक है। तो ये ई टी या टी, ठीक है। उसके बाद फाइव के बाद सिक्स है, फाइव के बाद सिक्स है, तो यानी कि यहाँ पे फाइव वाला जो था टी ओ। फोर के बाद वन या सिक्स है ना, फोर के बाद वन
ई या फिर ओ। तो पीई से अब अगर आप देखते हो, पीई से वर्ड तो नहीं लग रहा, पर पीओ से अगर आप देखो तो पॉकेट, POCKET, तो पॉकेट वर्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है यहां से। अब हमारा आंसर आ सकता है, ओ की पोजीशन है 6 और पी की है 4, तो 4-6 कॉम्बिनेशन वाला आंसर था सी ऑप्शन। और आगे आप देख सकते हैं 2C, ये देखो 2C है, 3 आपका K है, फिर 1 आपका 5 है, सॉरी 1 आपका E है और फिर 5 आपका T है, तो आंसर आपका क्या हो गया, पॉकेट। चलिए नेक्स्ट, आपको मैं 1-2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, देखिए वर्ड्स क्या आप समझ पा रहे हैं। हाँ जी, 52 में वर्ड बनाते हैं। देखो ऑप्शंस देखो, 2 है या 4 है, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट या तो 2 होगा या 4 होगा। 2 मतलब एल और 4 मतलब क्या है, एस। ठीक है, अब 2 के बाद ए भी दोनों में 3 दिया होगा है ना, तो 2 के बाद 3 एल ए, या फिर 4 के बाद दोनों में 1 दिया होगा तो 4 के बाद 1 है टी। अब देखो थोड़ा सा हिंट वाइज देखिए, एल ए से कोई वर्ड बन रहा है या एस टी से वर्ड बन रहा है। एस टी से आई थिंक आपको अब तक क्लिक कर जाएगा, एस टी से कौन सा वर्ड बन रहा है, स्टेल है ना, तो एस टी के बाद ई आर जिसका कोड क्या है 5, तो 415 इसमें भी है, 415 इसमें भी है, एस टी ई के बाद एल आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डबल एल आर है ना, तो एल आपको दिया हुआ है 2 में और 7 में है ना, 2 भी है और 7 भी है, तो 415 के बाद 27 देखो यहाँ दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ये 3-2 दिया हुआ है तो ये तो गलत हो गया, और 27 के बाद 3, 3 देखो क्या है ए, और उसके बाद आर क्या है 6, तो यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका इसमें देखते हैं, अब इसमें सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 4 है, 4 किसका कोड है, पी का, यानी पी से स्टार्ट होगा, और ये जो वाई आ रहा है ना, वाई मोस्टली लास्ट में आता है, मोस्टली वाई लास्ट में आता है। ठीक है, और उसके बाद ये 3 क्या है, टी। ठीक है, तो पी वाई और टी वाई वाला आप अगर इमेजिन करें कि कौन सा वर्ड बनेगा, तो वो आप देख सकते हैं कि 4 के बाद भी आपने अगर चेकआउट करना है कर लीजिए, बट आई थिंक अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन सा वर्ड है। वर्ड है ये प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो पी के बाद आर, आर का कोड है 1, यानी पी 4, 4 1, तो 4-1 बी और सी में आ रहा है, तो आंसर आपका बी और सी में से कोई होगा। आर के बाद ओ है, ओ का कोड है 6, तो 4-1-6 आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बस अब हम क्लियर हो चुके हैं कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, इसको देखिए, हाँ जी, इसमें हर ऑप्शन जो है वो आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 किसका कोड है, सी का, यानी वर्ड आपका 3 से ही स्टार्ट होगा, और उसके बाद 1 भी आ रहा है, 1 किसका कोड है, ए का, तो सीए के आगे हमें बताना है, जज करना है कि ये कौन सा वर्ड है। ये जो चीज मैं कर रही हूँ ना, ये काफी हेल्पफुल है आपके लिए, आप नॉर्मली वर्ड्स ही देखते रह जाते हो, ऑप्शंस एक बहुत ही हेल्पफुल चीज होती है, ऑप्शंस पे स्ट्रेस देना हर क्वेश्चन में आपके लिए बहुत जरूरी है, ऑप्शंस आपके टाइम को शॉर्ट करेंगे, आपके आपके सोल्यूशन को शॉर्ट करेंगे, तो ऑप्शन देख देख के हमेशा सॉल्व किया। हाँ जी, तो आई थिंक वर्ड आप समझ चुके हैं, कैबिनेट। ठीक है, सी ए के बाद बी का कोड क्या है, 6, यानी ये 3 है, ए 1 है, बी 6 है, तो 3-1-6 वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, आगे आपने चेक करना है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर। डिजिट्स आप समझते हैं ना, देखो डिजिट और नंबर में क्या फर्क, डिजिट वर्सेस नंबर, जैसे कि 672 इज अ नंबर, ये तो एक नंबर, अब इसमें आपका 6 जो है वो फर्स्ट डिजिट है, 7 जो है वो आपकी सेकेंड डिजिट है, और जो 2 है वो आपकी थर्ड डिजिट है,
यानी डिजिट्स जो होती है उसकी रेंज होती है 0 to 9। और नंबर तो आपको पता ही है, 0 से शुरू हो जाओ इन्फिनिटी रेंज है उसकी, ठीक है। डिजिट्स की रेंज होती है 0 से लेके 9 की, यानी सिंगल नंबर को आप एक तरह से कह सकते हैं डिजिट बोलते हैं, और डिजिट्स मिलाकर एक नंबर बनता है। तो अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर, इस नंबर में कितनी इंडिविजुअल डिजिट्स हैं। तो नंबर एक बार देख लीजिए, 7, 3, 4, 6, 2, 8, 5, विच आर एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर एज दे विल बी व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है छोटे से बड़ा, मतलब असेंडिंग ए क्या डिनोट कर रहा है कि आप ए से शुरू हो जाइए, मतलब शुरुआत से शुरू हो जाइए। डिसेंडिंग में क्या बोलते हैं, आप डी से शुरू हो जाइए, यानी बाद का लेटर है ना, तो डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, वो कह रहा है इस नंबर के विद इन ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसको, डिजिट्स को, ठीक है। और अरेंज करने के बाद आपको ये बताना है कि वो कितनी दूर है स्टार्टिंग से। तो पहले अरेंज तो कर लेते हैं, तो इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो पहले क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3, उसके बाद देखो आएगा असेंडिंग ऑर्डर में 4, 4 के बाद आएगा 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। अरेंज करने के बाद उसने क्या बोला, कितनी डिजिट्स हैं विच आर एज फार अवे फ्रॉम द बिगनिंग, जो शुरुआत से उतनी ही दूर है जितने की, ठीक है, इस नंबर में कह रहा है कि इस नंबर में कितने डिजिट्स है जो शुरुआत से उतनी ही दूर है जितने की इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद होंगे। इस चीज को ना सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब ये भी बनता है कि कितनी डिजिट्स है विच आर ऑन सेम पोजीशन, सिंपल भाषा में इसका ये मतलब है, जो कि सेम पोजीशन पर आ रही है, ठीक है। तो यहां देखिए, 7 की जगह पे 2, 3 की जगह पे 3, मतलब 3 अरेंज होने के बाद भी अपनी जगह पे ही है, तो एक हमने इसको काउंट किया। 4 भी अरेंज होने के बाद अपनी जगह पे ही है, 6 की जगह पे 5 आ गया, 2 की जगह पे 6 आ गया, 8 की जगह पे 7 आ गया, और 5 की जगह पे 8 आ गया। तो आंसर आपका क्या होगा, यहाँ कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। हाँ जी, अब ये वाला देखिए, यहाँ पे उसने आपको क्या बोला, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट्स न्यूमेरिक नंबर सिंबल अरेंजमेंट। मतलब आपको एक सीरीज दी हुई है, ये शायद से थोड़ी क्लियर नहीं होगी आपको, कुछ ऐसा बताऊंगा। हाँ जी, तो आपने इसको स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर। पहले तो उसने क्या बोला, हाउ मेनी सच न्यूमेरिक नंबर्स, मतलब एक तरह से मैं इसको सिंपली एन से डिनोट कर सकती हूँ, मीन क्या कर रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। फॉलोड बाय अ वॉवल मतलब फॉलोड होता है आगे, और वॉवल्स आपके कौन से हैं, ए ई आई ओ और यू, और उसके बाद आपके कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स आपके 21 होते हैं, जिसमें आप ए ई आई ओ यू को हटा दें, ठीक है। तो विच इज इमीजिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल बट नॉट इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, प्रिसीडेड मतलब पीछे नंबर नहीं होना चाहिए। तो हाउ मेनी सच न्यूमेरिक नंबर, कितने न्यूमेरिक नंबर है जो कि इमीजिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल को बट नॉट इमीजिएटली प्रिसीडेड, मतलब पीछे उनके न्यूमेरिक नंबर ना। तो चलिए यही देखते हैं, मुझे नंबर वॉवल का कॉम्बिनेशन चाहिए। आप ये देखा करो आपका जो ग्रुप बना है उसमें कौन सी चीज है जो कम होती है। देखो नंबर्स तो खूब सारे होते हैं पर वॉवल्स होते हैं सिर्फ 5, ए ई आई ओ यू, तो मैं सिर्फ वॉवल्स पे ध्यान दूंगी क्योंकि वॉवल्स कम होते हैं। अच्छा, कई बार सिंबल की बात होती है तो सिंबल्स पे भी ध्यान देना सही रहता है, सिंबल्स पे ना आपका ध्यान जल्दी जाता है एज कम्पेयर टू अल्फाबेट्स या नंबर। अभी फिलहाल सिंबल नहीं है तो हम वॉवल्स को ही देखेंगे। पहला वॉवल है आपका ए, तो ए से पीछे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला वॉवल ढूंढते हैं, ये रहा यू, यू से पीछे नंबर ही नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला वॉवल देखो कौन सा है, आई, आई से पीछे नंबर आ गया, आई से पीछे आपको 2 दिया हुआ है, यानी वॉवल से पीछे नंबर आ गया, और 2 से पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, तो 2 से पीछे नंबर नहीं है, तो एक तो मैंने आई को ले लिया, ठीक है। अगला वॉवल ढूंढिए कौन सा है, ई,
ई से पीछे नंबर नहीं आ रहा, तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, एक ही वॉवल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं वो, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, कितने सिंबल्स हैं इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, सिंबल के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, प्रिसीडेड मतलब उसके पीछे नंबर होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इस तरह का ग्रुप कहाँ बन रहा है कि नंबर के बाद सिंबल हो और सिंबल के बाद आपका कॉन्सोनेंट हो। चेक करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइड पे नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट, पुरानी मार्किंग्स को मैं एक बार हटा देती हूँ। हाँ जी, अब आपको मैंने बोला था सिंबल है तो सिंबल प्रेफर करिए, पहला सिंबल आपका मिल रहा है ये, इससे पीछे नंबर आ रहा है पर आगे कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, इसको हम नहीं लेंगे। अगला सिंबल ये, इससे पीछे नंबर नहीं आ रहा, इसको भी नहीं लेंगे। अगला सिंबल ये, इससे पीछे नंबर आ रहा है और इसके आगे एफ आ रहा है, एफ आपका कॉन्सोनेंट है, तो एक तो आपका हो गया डॉलर। अगला सिंबल ढूंढते हैं ये, देखो एट द रेट, एट द रेट से पीछे नंबर नहीं आ रहा, इस वाले सिंबल से पीछे भी नंबर नहीं आ रहा। आगे देखो अगला सिंबल ये रहा कॉपीराइट, कॉपीराइट से पीछे नंबर आ रहा है नाइन और कॉपीराइट के बाद एल आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो दूसरा सिंबल इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा है, कॉपीराइट। यानी आपके दो सिंबल्स यहाँ सेटिस्फाई हो गए, तो आंसर आपका होगा सी ऑप्शन टू। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, अब ये देखिए वो कह रहा है ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, अगर आप सारे के सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर देंगे तो एट फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन सा हो, तो एट फ्रॉम लेफ्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सिंपली काउंट करिए और सिंबल्स को मिस करते जाइए। हाँ जी, हाँ जी, तो यहां देखिए एट फ्रॉम द लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट एंड है, सिंबल्स मिस करते हुए 1 2 3 4 इसको मिस किया, 5 6 7 इसको मिस किया, 8, तो 8 फ्रॉम द लेफ्ट आपका कौन सा आ रहा है, 3, राइट। तो आंसर इसका क्या होगा, एक सेकेंड, 3 जो कि आपको गिवन है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन, राइट। जब भी आपको लेफ्ट हैंड बोलता है, लेफ्ट हैंड ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है और ये आपका राइट हैंड होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपने इस सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये देखो ध्यान अगर आपका जा रहा है 2 2 3 2 3 4 2 3 4 5, थोड़ा और फोकस करते हैं, ये देखो 2 2 के बाद 2 3, 2 3 के बाद 2 3 4, फिर 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5 6, तो अगला क्या होगा 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इस तरह से आपने समझना है। मोस्टली इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, तो क्या होता है कि एक एक नंबर या तो घट रहा है, ठीक है, या एक एक नंबर आपका बढ़ रहा है, तो इस तरह से आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए एक बार, चलिए ये देखिए 9 7 5 3 1 1, ये क्या है, 9 से पीछे ऑड नंबर है, ये ऑल्टरनेट नंबर है, 9 8 छोड़ा 7, 6 छोड़ा 5, 4 छोड़ा 3, 3 के बाद 2 छोड़ा 1 और 1 रिपीट हो गया। अब ये देखो छोड़ा किसको था, 8 6 4 2 2, तो यहाँ पे 1 रिपीट हो गया, यहाँ पे आपका 2 रिपीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 7 5 3 1, इन्होंने 1 1 हटा दिया इस ग्रुप से, फिर 8 6 4 2, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे 2 नहीं हटाया, 2 को रखा है, समझ रहे हो, पहला ये ग्रुप था जिसमें डबल 1 आया, ये ग्रुप था जिसमें डबल 2 आया, थर्ड ग्रुप में 1 हटाया बस, फोर्थ ग्रुप अभी सेम है। अब आगे देखो क्या हो रहा है, 9 7 5 3
वन, ठीक है, 9 7 5 3 1 वो सेम जा रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देती हूँ, 9 7 5 3 1 1 पहला ग्रुप, अगले ग्रुप में 8 6 4 2 2, अगले ग्रुप में उन्होंने क्या किया, इसमें से वन हटा दिया, 9 7 5 3 1 ये वाला वन इन्होंने हटा दिया। अगले ग्रुप में इन्होंने क्या किया, 8 6 4 2 2 वो वैसा ही है, फिर इन्होंने मतलब ये सेम ही चला, ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, 9 7 5 3 1 अब ये सेम है, ठीक है, उसके बाद 8 6 4 2 8 6 4 2 यानी अब इसमें से इन्होंने 2 हटा दिया। तो मतलब एक तरह से ये ना ऑल्टरनेटिवली स्किप कर रहे हैं, पहले तो ये आपका यहाँ पे माइनस हुआ पर ये वाला सेम था, है ना, फिर आपका ये वाला सेम था और इस वाले में उन्होंने घटा दिया, ठीक है, अब नेक्स्ट में आपका क्या होगा। हाँ जी, ये देखिए, पहले इन्होंने इसमें घटाया, फिर इन्होंने इसमें घटाया, है ना, अब ये इसमें घटाया, है ना, तो क्या बनेगा, 9 7 5 3 और 1 हट जाएगा, तो ये देखो 9 7 5 3 के बाद 1 हट जाएगा, तो हमें तो फिलहाल नेक्स्ट नंबर ही चाहिए, तो हमारा आंसर आ चुका है 3, सी ऑप्शन 3, ठीक है, क्लियर है सबको। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, शायद से आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ जी, ये देख लीजिए क्वेश्चन, दो ग्रुप्स की कंटिन्यूटी चल रही थी, दो ग्रुप्स की सीरीज चल रही थी, एक बारी में एक ग्रुप से एक घटा, दूसरी बारी में दूसरे ग्रुप से एक घटा, ठीक है, और जब एक ग्रुप से एक घट रहा है तो दूसरे ग्रुप का जो है वो सेम है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करिए ट्राई, अगर आप ध्यान दो इसमें, ये देखो रिवर्स में लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर ये देखो ये क्या हो गया, ए चला गया, ये देखो यहाँ पे इधर से यहाँ तक सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब ये शुरुआत का सारा सेम है, सिर्फ ए और बी को अगले ग्रुप में हटा दिया, अगले में भी स्टार्टिंग आई से हो रही है पर इन्होंने किसको हटा दिया, सी और डी को हटा दिया, है ना, तो मतलब ये है कि सी और डी को अब इन्होंने हटा दिया, पहले ए बी को हटाया फिर सी और डी को हटाया, ठीक है, अब इसके बाद स्टार्टिंग आई से होगी, है ना, तो हमें तो बस नेक्स्ट ही चाहिए, हमें तो सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया कौन सा, ए ऑप्शन आई। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी ट्राई करिए इसको, ये देखो ए ऑल्टरनेटिवली ए बी सी डी ई, इस ऑल्टरनेट पे देखो बी डी एफ एच जे, इस ऑल्टरनेट पे आपका प्लस वन चल रहा है और इस ऑल्टरनेट पे आपका प्लस टू चल रहा है, ठीक है, तो अब ये प्लस वन वाले ऑल्टरनेट पे नेक्स्ट आपका प्लस वन करके क्या होगा, एफ होगा, जो कि गिवन है आपको ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हाँ जी, अब ये देखो ये सीरीज अब नंबर की आ गई, है ना, नंबर की सीरीज है, तो ये देखो 9 8 7 6 पहला, 1 2 3 4 5 अगला, मतलब काउंटिंग है पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 7 8 9 लिखा हुआ है, अगला देखो 9 8 7 इस ग्रुप में 6 हटा दिया, अगले में 1 2 3 4 5 ही है पूरा है, ठीक है, फिर 9 8 7 ये बिल्कुल अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था वैसा सही है, अगले ग्रुप में इन्होंने 9 8 7 लिए और 1 2 3 4 इस ग्रुप में इन्होंने 5 हटा दिया, ठीक है, मतलब ये 9 8 7 6 था, अगले ऑल्टरनेट पे 9 8 7 हो गया, ठीक है, मतलब फर्स्ट 9 8 7 6 था, अगले ऑल्टरनेट पे वो एक माइनस हो गया, उससे अगले ऑल्टरनेट पे अगर आप देखो ये वाला सेम ही है, अब उससे अगले ऑल्टरनेट पे आपका माइनस वन होगा यानी 7 हट जाएगा, और अगर 7 हट जाएगा तो फिर अगला ग्रुप आपका 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और आपको एक चीज बताऊं, आप गलती से अगर 9 8 7 भी कर लेते ना, आपको ऑप्शन बता देते कि आप गलत जा रहे हो, 9 7 आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डिडक्ट हो रहा है ना एंडिंग से हो रहा है,
इसकी स्टार्टिंग 9 है, तो इसकी भी स्टार्टिंग 9 है, और इसकी स्टार्टिंग भी 9 है, और इसकी स्टार्टिंग भी 9 है। इस ग्रुप की स्टार्टिंग अगर 1 है तो अगले ग्रुप की स्टार्टिंग भी 1 है, अगले ग्रुप की स्टार्टिंग भी 1 है, तो स्टार्टिंग तो सेम ही रहेगी ना। तो अगले में अगर नई सीरीज स्टार्ट हो रही है तो वो 1 से ही स्टार्ट होगी, जो कि आपको गिवन है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सेम ही क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करते थे। ये अल्फाबेट्स के क्वेश्चन है जो आप नॉर्मली किसी चैप्टर में नहीं करते, बट ये रूल्स आपने देखे, कंसेप्ट्स आपने देखे, ये वाले कंसेप्ट्स जो है ना, ये आपने देखा। ये देखो, ये वाला जो कंसेप्ट था ये पहले भी एक क्वेश्चन में हमने किया है ना, कि दो ग्रुप्स चल रहे हैं, इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, तो इसीलिए। बट कंफ्यूजन अगर हो भी जाएगी, ऑप्शंस आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे। देखो, सीसैट का एग्जाम टफ नहीं होता, अगर उन्होंने क्वेश्चन टफ डाल भी दिया ना, ऑप्शन आसान होंगे। तभी मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, अभी फिर मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ ताकि आप ये मुझे आप ये मेरी बात कभी भूले मत, कि आपको एक क्वेश्चन में पहले इंफॉर्मेशन दी होती है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा होता है, और फिर आपको ऑप्शंस दी होती है। सबसे पहले मेरा ध्यान क्वेश्चन पे जाता है, ना कि इन्फॉर्मेशन पे। सबसे पहले देखो पूछा क्या, उस हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन उठाएंगे। कई बार इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है और क्वेश्चन जो पूछा होता है वो हमारा ऑलरेडी बहुत पहले आ चुका होता है, और हम इन्फॉर्मेशन उठा के इतना कुछ सॉल्व करने लग जाते हैं। तो हमेशा पहले देखिए कि एम क्या है हमारा, क्या आंसर चाहिए, फिर इन्फॉर्मेशन उठाइए, और इन्फॉर्मेशन सॉल्व करते करते पैरेलली ही ऑप्शन देखिए। अब जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना, आपको ऑप्शंस कई बार पूरा सॉल्व करने ही नहीं देते, मिड में ही आप रियलाइज कर देते कि ये आपका आंसर। और आज के आपका जो लेक्चर रहा है, इसमें तो बहुत क्वेश्चंस में ये हुआ है कि आप ऑप्शंस पे डिपेंड अगर करोगे तो आपको आपका आंसर जो है वो बहुत जल्दी मिलेगा, या फिर इजीली मिलेगा, या फिर आप अगर किसी चीज को गलत करने जा रहे थे तो उस चीज से आप बच रहे थे। तो आज तो आपको ऑप्शंस ने बहुत हेल्प किया। तो इसी तरह से और भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, ठीक है, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस बड़े ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो सी सेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।